है ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन मॉडर्न फोटो एंड वीडियो एडिटिंग चैनल लियाकत प्रोडक्शंस। गाइज टुडे आई एम रियली सो मच हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट आई क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल। गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी अप टू दिस लेवल। गाइज जल्दी से इस चैनल पर एक वीडियो आने वाला है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप गाइज यू वुड नॉट मिस द वीडियो। गैस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गैस अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, सो जब मैं गिव अवे का वीडियो अपलोड करूं और आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चली जाए। सो गैस आज के ट्यूटोरियल में हम 10K स्पेशल फोटो एडिटिंग कंसेप्ट प्रेजेंट करने वाले। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सो चलिए गैस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस ब्रांड न्यू एडिटिंग। सो चलिए गाइज मैं अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, और गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड फोटो में चले जाता हूँ, और गाइज यहाँ पे मैं एक शेडो सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज शेडो को यहाँ पे अच्छी तरह सेट कर देना है, हमारा जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत ही डार्क कर देना है, और गाइज नीचे रहने देना है। फिर से ऐड फोटो में चले जाते हैं और एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। गाइज ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कटआउट्स पे चले जाना है और इसका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इरेज कर देना है। गाइज इसका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, अब यहाँ पे इसको सेट कर देना है बिल्कुल। गाइज यहाँ पे जूम नहीं करना है, थोड़ा छोटा कर देना है, और गाइज यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी जो शेडोज है इसको हम डिम कर देते हैं, और हाईलाइट्स को भी डिम, सब क्लियरिटी को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। सो गाइज इफेक्ट आना चाहिए जो कि हमें यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, पूरा नाइट हो चुका है। सो गाइज हम यहाँ पे ऐड फोटो में चले जाते हैं, और गाइज हम यहाँ पे ये वाला शेडो सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइज ये क्लाउड है जो हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं बिल्कुल। गाइज हमारी पिक्चर में रियलिस्टिक लुक लग गया है, और गाइज यहाँ पे मैं ड्रा टूल में जाकर गाइज यहाँ पे ये वाला कलर पिक कर देता हूँ, और गाइज यहाँ पे इसको प्लेस करके स्क्रीन पे ब्लेंड कर देता हूँ। सो गाइज ये हो चुका है, अब हम टूल्स पे जाते हैं, और गाइज इसके जो शेडोज है इसको हम पूरा कम कर देते हैं, और गाइज सेचुरेशन और कंट्रास्ट को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं बिल्कुल। गाइज अब हम फिर से ऐड फोटो में चले जाते हैं, और गाइज हम यहाँ पे ये वाला PNG सिलेक्ट कर लेते हैं, और गाइज यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है, दो चार कापी इसकी डुप्लीकेट बना के यहाँ पे ब्लेंड कर देना है बिल्कुल। गाइज बिल्डिंग्स पे इसको ब्लेंड कर देना है, सो यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आनी चाहिए। सो गाइज ये वाला जो PNG है इसको भी ब्लेंड कर देना है गाइज, लेकिन इसको पूरा जूम कर देना है, और यहाँ पे पूरी रोशनी डाल देनी है। गाइज अपर वाला पार्ट इसका रिमूव कर देते हैं, और गाइज जो हार्डनेस है इसको धीरे धीरे कम करके गाइज यहाँ पे इसको इस तरह इरेज कर देते हैं। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लुक लग गया है हमारी पिक्चर में। हम यहाँ पे ऐड फोटो में जाकर गाइज गाइज ये जो कुछ PNGs है इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, और यहाँ पे अच्छी तरह प्लेस कर देना है। तो गाइज हम सीधा चले जाते हैं ऐड फोटो में, और गाइज ये वाला जो PNG है यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे ब्लेंड सीधा गाइज, और यहाँ पे एडजस्ट पे चले जाते हैं, इसके जो शेडोज है इनको हम डिम कर देते हैं बिल्कुल। गाइज ये यहाँ पे अच्छी तरह सेट होना चाहिए, सो ये हमारा बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसको ब्लर कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं गाइज बिल्कुल कम ब्लर कर देना है इसको। तो यहाँ पे मैं ऐड फोटो में जाकर गाइज ये वाला जो PNG है 10K का PNG यहाँ पे इसको ला देता हूँ, और गाइज मैं चले जाता हूँ इफेक्ट्स में गाइज यहाँ पे कलर्स, और इनवर्ट पे इसको क्लिक करके गाइज इसका जो कलर है इसको देता हूँ, और गाइज यहाँ पे इसको ब्लेंड।
सो गाइज मैं यहाँ पे कुछ लाइट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। गाइज ये वाला जो लाइट है यहाँ पे इसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ, इसकी दो तीन काफ़ी डुप्लीकेट बना कर गए जहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। गाइज हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल चमक रहा है, यहाँ पे हम ऐड फोटो में जा कर गए जहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड करते थे, इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इजीली अपने बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। बिल्कुल गाइज यहाँ पे मैं टूल्स में जा कर गए जहाँ पे इसकी शेडो जो हमारा पिक्चर है इसकी मैं कम कर देता हूँ। गाइज सिर्फ हमारे फेस पे ये शेडोज नहीं चाहिए, और गाइज यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे डॉज वाला इफेक्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए हमारी पिक्चर में, सो ही हमारी पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे बैठ जाएगी। तो चलिए गाइज हम अपनी पिक्चर के लास्ट स्टेप में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं ऐड फोटो में जाकर गाइज एक लाइट ऐड कर देता हूँ। और गाइज ये वाली जो लाइट है यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ बिल्कुल बॉटम में, और गाइज शेडोज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो गाइज मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।